भारतीय जनता पार्टी के खंडवा लोकसभा क्षेत्र से मतदान केंद्रों के पालक संयोजक और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और पुरानपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के समर्थकों में आपस में हुई मारपीट। बुरहानपुर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर सक्रिय हैं अर्चना चिटनिस। सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के भाषण के दौरान हुई मारपीट, इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे। साथ ही इस मारपीट की घटना पर बोले कि कोई झगड़ा नहीं हुआ है, बस कार्यकर्ताओं में मोदी और बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ कर होड़ लगी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार फिर मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। कि पार्टी का विशाल स्वरूप आज हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वस्व होम कर दिया है। और मुझे आज भी स्मरण आता है उनमें से अनेक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता आज भी हैं, बिस्तर पर हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन उनके कान तरसते हैं ये सुनने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा सुनाई। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, वे आकर अपनी बात रखें। कृपया सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ, सामने। इस लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का उत्साह ये बता रहा है कि दूसरी बार भी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। खंडवा सीट तो हम जीतेंगे ही, 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे। विवाद नहीं था, ज़्यादा जोर से मोदी जी के नारे कौन लगाएगा इसको लेकर प्रतिस्पर्धा थी, जो ये साबित करती है कि मोदी जी के नाम का उत्साह कितना है। नहीं, कोई नारे नहीं लगे।